नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 2017 का GS का फर्स्ट पेपर है। इसका फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस कर दिया था। अब फ्रेंड्स, इसमें हम आपको सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे बी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। पहले हम आपको बता दें, इसमें देखिए 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, एक क्वेश्चन का आंसर आपको 3 मार्क्स का है और लगभग 1 से 2 लाइन में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, ह्यूमस को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, रेशम कृषि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का वर्णन कीजिए। मृदा का अर्थ बताइए। दून और द्वार को स्पष्ट कीजिए। मालाबार तट, बलराम ताल योजना, दीप्ति प्रसारण अनुपात क्या है। भारत में भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। वर्षा का प्रतिलोम को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। जेट स्ट्रीम को संक्षिप्त में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2013 में उत्तराखंड में आई आकस्मिक बाढ़ के कारण क्या थे। गजरती चालीसा से आप क्या समझते हैं, इसकी स्थिति बताइए। एल नीलो और लाल नीलो को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में नहर सिंचाई का मूल्यांकन कीजिए। मध्य भारत में जनजातियों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, यदि बात करें मध्य भारत में जनजाति जो हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए, श्योपुर में जो मध्य प्रदेश के श्योपुर में रहती हैं, और यदि बात करें तो ये बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, बैतूल, इधर ये ट्राइब्स रहते हैं। भारत में कुपोषण की समस्या का परीक्षण कीजिए। मध्य प्रदेश के किसी जलवायु प्रदेशों को चिन्हित कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी ये फ्रेंड रूस में हुई थी 1986। ये फ्रेंड्स CGPSC फॉरेस्ट रेंजर में क्वेश्चन आया था प्री में। पारिस्थितिक कृषि क्या है, हरित क्रांति के कृषि से कैसे भिन्न है, विवेचना कीजिए। विध्याचल बंगेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। और चंबल घाटी चंबल परियोजना की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश मृदा संरक्षण क्षरण और मृदा ह्रास की समस्याओं की विवेचना कीजिए, इसके निदान के उपाय बताइए। फ्रेंड्स, क्या मध्य प्रदेश में जो मृदा क्षरण होता है, हो रहा है मृदा ह्रास, ये फ्रेंड्स अपरदन वगैरह, ये फ्रेंड्स जो चंबल नदी है ना, उसके कारण काफ़ी होता है। जो चंबल रीजन है उसमें महान हिमालय या हिमाद्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दिए। ग्रीवाखंड क्या है, महासागरी लवणता के 5 नियंत्रण कारकों के नाम बताइए। गुप्त ऊष्मा क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत की बेमेल नदी का नाम बताइए। ये फ्रेंड जो अनुपन मिसिप्ट स्ट्रीम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 15 मार्क्स का है और 5 प्रश्न दिए गए, इसमें से आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपको जो 300 शब्दों में लिखना है। पहला फ्रेंड, मध्य प्रदेश को भौगोलिक प्रदेश भौतिक प्रदेश में विभक्त कीजिए, उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। आपदा प्रबंधन के संस्थाओं में गठन और आधारभूत प्राधार नीति का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या स्थिर करने के मानकों का मूल्यांकन कीजिए। बढ़ती जनसंख्या रोकने हेतु सरकारी नीतियों की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश की जल प्रवाह प्रणाली का विवरण दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड, प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तन का सागर तली प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन में क्या भूमिका है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ समय पहले फ्रेंड्स, 1-2 साल पहले पाकिस्तान में अचानक से एक द्वीप निकल आया था समुद्र तट में, तो ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, ये 2017 का GS का फर्स्ट पेपर है, जिसका हमने आपको बताया है क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं और आपकी कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम आपकी अधिक से अधिक मदद कर सकें। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, रेलवे में वैकेंसी बढ़ चुकी है, जिसका वीडियो हमारी साइट पर डला है, वो भी आप जरूर देखें। 60,000 वैकेंसी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।